बिहार रे देश विरोधी षड्यंत्र 2047 सुधा भारत को इस्लामिक राष्ट्र करने को योजना बड़ खुलासा पर एनआईए तनाघना पटना रु 6 पीएफआई सदस्य गिरफ बिहार पटनार फुलवारी शरीफ अंचल एनआईए तनाघना देश विरोधी कार्यकलाप 6 जन को गिरफ पर तदंत जोरदार करिसंती एनआईए अधिकारी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाइबा को एही ठारे हेउथिला बड़ योजना 2047 भितरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र रे परिणत करिबा को प्लान करिथिला पीएफआई एथिपाई प्रस्तुत होइथिला इंडिया विजन 2047 8 पृष्ठा संबलित एही इस्ताहार रे भारत को इस्लामिक राष्ट्र रे परिणत करिबा को होइथिला योजना एथिपाई विभिन्न स्थान रु मुस्लिम युवक मानन को डका जाउथिला बिहार रो पटना को जोटी कर ब्रेन वाश देशर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय विरुद्ध हिंसापी दि जाऊला ट्रेनिंग घटन जड़े अवसरप्राप्त पुलिस अफिसर मोहम्मद जलालुद्दीन पीएफआई सक्रिय सदस्य अधहर परभेज समेत 6 जन को गिरफ्त कर तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसके जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है इन द सीनरी ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेन पी कैडर्स, हम अपने पी कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज, हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पी एफ आई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेयरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से पीएफआई ने रिश्ता बनाया है। पटना रो फुलवारी रे पीएफआई रो देश विरोधी कार्यकलाप विदेश आसुथिला टंका जांच बेले जना पड़ी जे अभियुक्त मानन को अकाउंट को तीन दफा रे 14 लाख 30 लाख एवं 40 लाख टंका देण नेण होईची। मुख्य षड्यंत्रकारी मोहम्मद जलालुद्दीन 20 नवेम्बर 2018 रु 27 जानुरी 2021 पर्यंत झारखंड गिरिडीह जिल्लार भेलवाघाटी थाना रे एएसआई भावे काम करूथिला। पुलिस बेसरे कट्टरवादी मुसलमान थिला जलालुद्दीन। विभिन्न आईन कानून प्रसंगे मुसलमान को साथ दे आसुथिला। अतहर फरवेज हेउची मंजर फरवेज रो भाई। मंजर पटना बोमा विस्फोरण मामलें जेल रे अछि। उभय पीएफआई रो सक्रिय सदस्य थिले। यहा सह आतंकवादी कार्यकलाप को प्रोत्साहन देवा अभियोग रे पटना पुलिस 26 जनों को विरोध रे एफआईआर दायर करी छि। सेमानक मध्ये रे झारखंड कर्नाटक तमिलनाडु रु अनेक छंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।